हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस सरकार ब्लॉग। मैं गीता आप सभी को दिल से स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। और आज नए ब्लॉग में नई चीज मैं लेके आई हूँ आप सब के सामने। तो ये देखिए, ये मैंने एक डोरी ले ली है, इसे बुक में इसे पिछा रही हूँ, मतलब राउंड राउंड करके बहुत ही ज़्यादा एक साथ डोरी कर रही हूँ। और इससे मैं बनाने वाली हूँ, मतलब दही गुथा या दही बटा वही कहते हैं, जो हमारी आसाम की ट्रेडिशनल, मतलब जो कपड़ा है मेखला चादर, वही इसी में एक डिज़ाइन होता है जिसे कहते हैं दही बटा। तो ये काम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है ये काम हो जाने के बाद। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए पहले नीडल में धागा डाल के इसे मेखला चादर में घुसा के दो तीन गीट मार लेना चाहिए। फिर उसमें ऐसे सूता रख के, मैंने जो सूत मतलब धागे को एक साथ किया था उसे ऐसे रख के ऐसे कस के दो तीन बार बांध लेना चाहिए। फिर इसे बाकी का वो फोल्ड करके अच्छी तरह से इस एक ही, मतलब देख सकते हो आप लोग कैसे केयर कर रही हूँ मैं, इसी तरह करके कस के टाइट से फिर से दो तीन बार मतलब बांध लेना चाहिए। बीच से इसे सूता डाल के अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए। फिर बांधने के बाद, मतलब ऐसा बांधने से फ़ायदा ये होता है कि कपड़े को हम धोए या कुछ भी करें, मतलब ये सब निकल के ना जाए, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिकोड़ हो जाती है ये सब। तो दोस्तों आप सभी को बता दूँ, ये मैंने मतलब ये काम ब्लॉग टाइप की नहीं किया है, जो मुझे आता है और मैंने ये काम किया है, इसीलिए सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर लूँ थोड़ी सी, तो इसीलिए मैं शेयर कर ले रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कितना ही प्यारा लग रहा है, मतलब इसे बांधने की बात अच्छी तरह से कस के बांधने की बात, मतलब इसे इस मतलब अच्छी तरह से इसको बराबर करके काट लेना चाहिए। और फिर भी मैं बना, मतलब ये बांधने की वक्त थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हो जाती है, एक दो बहुत सारे बांधना होता है ये सब, पूरे दोनों तरफ मेखला चादर को बांधना होता है ये सब दही गुथा। तो ये करने के बाद लास्ट में सबको समान करके अच्छी तरह से बराबर से काट लेना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना ही प्यारा लुक आ रहा है। तो दोस्तों अच्छा लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।